हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, सीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। डियर, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके ये रीडिंग में आपको आपकी कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं, आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पता चल सकती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। ओके डियर, पहला मैसेज जो आ रहा है आपके पार्टनर में से, काफी सारे लोगों की पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है आज के दिन में। फॉर एग्जांपल, आप किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं और आगे जाकर आपको पता चले कि रास्ता बंद है, उस पर लिखा मिले आपको कि आगे रास्ता बंद है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की, कि जो भी पाथ पर ये चल रहे थे या जो भी पाथ इन्होंने चूज कर रखा था उस पर आगे जाकर इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आगे रास्ता ही नहीं है, या फिर रास्ता बंद है, या फिर वहां जाया नहीं जा सकता, ये मैसेज निकल कर आ रहा है। मतलब बेसिकली वापस लौटने के अलावा कोई चांस नहीं है, जहां पर भी आपके पर्सन बड़े हैं, चाहे करियर हो चाहे इनका खुद का पर्सनल लाइफ हो। ओके, ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इस पर्सन का काफी ध्यान रख रहा हो। ऐसा भी नजर आता है गाइस, जैसे बहुत ये पर्सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा, मतलब एक है ना कि मुझे सब कुछ अपने आप ही करना है, ठीक है, एक सेल्फ की एनर्जी यहां पर बहुत स्ट्रांग आ रही है। मतलब इनकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उनके उनसे रिलेटेड मुझे लगता है किसी को दोष नहीं दे रहा है पर्सन, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा बेसिकली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन ने खुद ली हुई है अपने डिसीजंस की, अपने अभी तक के सारे कर्मों की, जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है, ये यहां पहला मैसेज आ रहा है। यहां पर टी लेटर है, टी, आपके जो पर्सन हैं कुछ ऐसा मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक कि इनसे रिलेटेड जो भी बातें आज तक इस पर्सन ने आपसे बोली हैं वो आप किसी और से ना बोलें, ठीक है। ये यहां पर मैसेज दे रहे हैं पर्सन, ये मैसेज आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए। अगर ऐसा कोई सोच रहा है या फिर अगर ऐसा कोई कर रहा है कि अपने पार्टनर से झगड़ा होने के बाद उनसे रिलेटेड जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है वो किसी और जगह पर बोल रहे हैं या फिर किसी और को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर ये कह रहा है आपसे कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। आप किसी को भी, आप दोनों के बीच की डीप टॉप कॉन्वर्सेशन, टॉप सीक्रेट कॉन्वर्सेशन ना बताएं, ये आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है। ये पर्सन आपको एक चीज बोलना चाह रहा है यहां पर कि कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, ठीक है। कितनी भी परिस्थिति आपके रिश्ते की फिलहाल खराब क्यों ना हो लेकिन फिर भी ये पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके दुश्मन नहीं है, चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो।
आपके पर्सन के अंदर बहुत समझदारी है गाइस, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग की एनर्जी नजर आ रही है, मतलब अपने सही समय का इंतजार करना। आपके पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेशन में नहीं नजर आ रहे, ना ही बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं, नहीं बहुत ज्यादा, मतलब इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरा, इस तरह की एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। बहुत काम है ये पर्सन, और जो भी चीजें इस पर्सन की लाइफ में अभी हैं उनके साथ बड़े आराम से, प्यार से, ठीक से डील कर रहे हैं ये पर्सन। किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी, उतावलापन इस पर्सन की एनर्जी में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर एम लेटर है और हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी इस इंसान ने ली हुई है। बहुत पेशेंस के साथ ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ना कहीं पर रिएक्ट कर रहे हैं, ना कहीं ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जहां से जो भी चीजें मिल रही हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको लेकर इस पर्सन को ये शायद एनर्जी नजर आती है। ओके, यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन के कानों में कहीं इस तरह से बात गई हो कि आप इनके बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, फैमिली में कह रहे हैं या कहीं पर भी कह रहे हैं, तो ये आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं या कह रही हैं कि इनसे रिलेटेड जो भी बातें इन्होंने आपसे शेयर की हैं वो आप किसी और को ना बताएं। आप दोनों के बीच की डीप कॉन्वर्सेशन किसी और के साथ आप शेयर ना करें, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में अगर दूरियां हैं तो उसका फायदा किसी तीसरे को ना उठाने दें कि वो आप दोनों की कनेक्शन के मजे ले। कुछ इस तरीके का मैसेज ये देने की कोशिश आपको यहां पर कर रहे हैं। आपको एक सवाल हो सकता है इस पर्सन से कि आप मुझे बता दीजिए कि आप कब तक आएंगे या कब तक आएंगी, ठीक है। आप ऐसा कुछ जानना चाह रहे हो इस पर्सन से, या फिर आपने ये सवाल इस पर्सन से किया है कि आप एग्जैक्टली मुझे मुझे टाइम बताओ कि आप कब तक आ जाओगे, या फिर आप कब तक अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लोगे, कब तक ये चलेगा। इस तरीके का अगर आप गुस्से में इस पर्सन से सवाल पूछ रहे हो तो ये पर्सन आपको यहाँ पर ये जवाब देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इनको थोड़ा सा टाइम दो सारी चीजों को ठीक करने का। मैंने बोला ना, ये आपके जो पार्टनर है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ठीक कर रहे हैं। इनको थोड़ा मतलब ये कोई घबराहट और बेताबी वाली एनर्जी नहीं, आराम से ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। ये तो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इनको थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे ऐसा नजर आता है गाइज, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा झगड़ रहे हैं इस वक्त में। जैसे ये मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पे, किसी का पार्टनर ना बार बार से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा, मतलब उससे गलती हुई है तो वो आपसे सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा रुक जाओ, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा समय दो, थोड़ा मौका दो। बट कोई है जो लगातार झगड़े जा रहा है, लगातार सुनाया जा रहा है, लगातार तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता, इस तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मतलब पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट कोई है जो अपने पार्टनर को बहुत प्रेशराइज कर रहा है एक मतलब सारी चीजों को बहुत जल्दी से ठीक करने के लिए। एंड वो इंसान बहुत सिचुएशन को बहुत पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे हैं जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि आपको आपके जो भी एक्शंस हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मतलब ऐसा होता है ना कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो गुस्से में आप बहुत गलत बातें भी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग, सब नहीं, और बहुत सारे लोग गलत बोल देते हैं और गलत कुछ ऐसा कर भी देते हैं, अपनी कुछ बातें ऐसे लोगों को बता भी देते हैं जिनको बताने के बाद, जिनको कुछ बोलने के बाद पछताते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। कुछ इसी तरीके का मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं कि परिस्थिति कितनी भी खराब हो आप लोग के कनेक्शन में, लेकिन अपने भेद नहीं खोलने चाहिए। मतलब अपना टॉप सीक्रेट, अपना कुछ भी सीक्रेट अपने रिलेशन से रिलेटेड कहीं पर रिवील ना करो, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहां पर निकल कर आ रही है। यहां पर एच लेटर है, आपका आपका सवाल हो सकता है इस पर्सन से कि क्या आपको बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ठीक है। इस तरीके का अगर आपने सवाल किया है कि
बच्चों से रिलेटेड अगर आपने इस पर्सन से सवाल किया कि आपको उनसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं है या फिर आपने बच्चों के बारे में सोचा नहीं, मैरिड लोगों के लिए है ये मैसेज, तो आपके पार्टनर इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि आपसे ज्यादा उनको केयर है आपने अपने बच्चों की, कुछ इस तरीके का मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ तुम ही सोचना है या फिर तुम ही सोच रही हो या सोच रहे हो, मैं भी बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और मैं भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे भी सब कुछ ठीक करना है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। मतलब किसी के बीच में बहुत ही ज्यादा तीखी कॉन्वर्सेशन हुई आई थिंक जो यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन रहा है गाइस, ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनका जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। उनके बीच में जो भी गलत फहमियां थी एक दूसरे से, जो भी शिकायतें, वो धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो रही है, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और अभी कुछ दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं कि उनके यूनियन हो रहे हैं, उनका पार्टनर चेंज हो गया है काफी, वो इस तरीके से बात करने लगा है, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो काफी इस तरीके की है ना ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही कि वो जो आपका कनेक्शन है ना धीरे धीरे हील हो रहा है। कुछ हीलिंग परमात्मा करते हैं आपके कनेक्शन में सेपरेशन डालकर, कुछ हीलिंग आप करते हैं खुद को सुधार कर, शिकायतों को कम करके, शैडो वर्क करके। अच्छा एक कमेंट सेक्शन में लिखिए कितने लोग शैडो वर्क कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हील हो गए, मतलब परमानेंटली वहां पर हीलिंग हो चुकी है। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है, कैंसर यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आप दोनों में आपका पार्टनर जो है वो कहीं आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि अगर एक की लाइफ अफेक्ट हुई हो तो दूसरा ऐसे ही चुपचाप बैठकर खुशी से जिंदगी को जिया हो। ऐसा भी हुआ है आपकी लाइफ में? अगर किसी एक को तकलीफ मिलती है तो दूसरे की लाइफ में भी सेम चीजें चल रही होती हैं या कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बहुत खुश जी रहा है, एक बहुत दुखी में जी रहा है। तो जैसे ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आपको और इनको समय समय पर जो भी चीजें मिलती हैं वो साथ में ही मिलती हैं, चैलेंजेस मिलते हैं तो साथ में मिलते हैं, दुख मिलता है तो साथ में मिलता है, सुख मिलता है तो साथ में मिलता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही जान जाते हैं, पूर्व आभास आपको हो जाता है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है या उनको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा आपके पार्टनर मैसेज दे रहे हैं। कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। नाइट ऑफ कॉइंस, Queen of Cups, Four of Wands, King of Coins, Chariot, Two of Wands। देखो गाइस कुछ लोगों के पास शादी प्रपोजल आएगा बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। और जब भी मैंने आपको बोला है कि आप रीडिंग आती है और इस तरीके से आती है
तो फिर वो रेजोनेट भी करती है और उसका असर भी देखने को मिलता है। जिनकी कनेक्शन में बहुत जबरदस्त हीलिंग हुई है यहाँ पर, उनके पार्टनर उनको शादी के लिए कमिट करेंगे सीधा। एंड यहाँ पर ये नजर आता है कि ये जो चीजें हैं वो नेचुरल तरीके से होंगी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा इस चीज के लिए करना पड़े। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ ड्यूअलिटी खत्म हो रही है और स्टेबिलिटी आ रही है। एंजल नंबर 4 अगर बहुत ज्यादा दिख रहा है तो आप स्टेबिलिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर सबसे पहले इसको दिखाता है कि आप गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, राइट पाथ पर है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने जा रही है, ठीक है। और अगर आपका कोई लव कनेक्शन बिगड़ा हुआ था तो उसमें हीलिंग हो रही है। बहुत सारे लोग के लव कनेक्शंस खराब हो जाते हैं तो हीलिंग के लिए सेपरेशन में जाते हैं जब, तो यूनिवर्स इस तरीके से आपको एंजल नंबर्स दिखाकर शो करता है ये चीज। तो यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग की मैरिज होने वाली है या फिर मैरिड लाइफ ठीक हो रही है। यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। ये रीडिंग आपको कुछ समय तक रेजोनेट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ना फिर से कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में जो लिखेंगे मैम मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग बढ़िया लिख रहे हैं कि उनके साथ हो रहा है, खुश जी रहे वो अपनी जिंदगी में। और मैंने आपको अपनी रीडिंग में नहीं हजारों बार ये चीज गाइड की है कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें अलग अलग रीडिंग्स को देखकर। आप रीडिंग्स में फंसे रह जाते हैं, वही सीधा की रिजल्ट चाहिए आपको। आप आए यहां पर हीलिंग करने के लिए हैं। अगर आपको हीलिंग की जरूरत नहीं होती तो यूनिवर्स आपको यहां तक भेजते ही नहीं, और आपको कोई जरूरत ही नहीं थी फिर कि आपका कनेक्शन सेपरेशन में जाए। अगर आप सेपरेशन में गए हैं या फिर आपको यहां तक भेजा गया तो उसके पीछे कारण है, तो आप कारण पर फोकस करिए ना कि सीधा रिजल्ट पर, ठीक है। और अगर आपको सीधा रिजल्ट चाहिए तो आप हमेशा निराश ही रहेंगे। क्योंकि यहां पर जितने लोग भी आए ना, अभी लाखों लोग आए हैं रीडिंग यहां पर दूसरे चैनल्स पर, वो सबके सब हील हुए हैं, सबने अपने आप पे काम किया है। क्योंकि काफी सारे लोग तो अवेकनिंग और असेंशन जर्नी का पार्ट भी हैं, तो अपनी लाइफ में हमेशा अपना काम करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे लोग के कनेक्शन इतने अच्छे से हील हो गए 7-8 महीने में, 9 महीने में, उनके पार्टनर में इतना अच्छा शिफ्ट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उनके अंदर के जो शैडोज थे ना वो उन्होंने हील कर लिए। सो शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है। आपको अगर मैरिज की कमिटमेंट चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में चीजों को ठीक करना है, तो मैंने आपको रीजन भी बताए हैं और मैंने आपको बताया कि आप ठीक कैसे करेंगे। अब आप काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी हीलिंग यहां से दे सकते हैं उतनी हम दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके जो पार्टनर हैं इनको इस वक्त में और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन्होंने आपके लव को रख दिया, ठीक है। आपका पार्टनर आपकी लव को सबसे ऊपर रखे हुए है इस वक्त में। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी। देखिए 3 जगह निकल कर आई है, चैरियट, कॉइन्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों ही स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं इस वक्त में। तो आपका जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर, मैंने बोला ना, वो धीरे धीरे सारी चीजों को ठीक कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपको परेशान बहुत ज्यादा किया है। तो इस वक्त आपके कोई अगर गलत मूड स्विंग हो रहे हैं या फिर अगर आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत अटपटा है, तो ये पर्सन उसके साथ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें इन्होंने बिगाड़ी हैं, और कहीं ना कहीं आपने बहुत पेशेंस रखा है, तो आपके अगर इस तरीके के मूड स्विंग्स होते हैं तो उस चीज को भी ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है इस चीज को लेकर। तो आपका पर्सन इस वक्त में बहुत, जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ कोई इंसान है जो बहुत मैच्योर हो गया और बहुत समझदारी के साथ सारी चीजों को कर रहा है। आपका पार्टनर बहुत समझदार इस वक्त में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। इनके साथ अगर आप पेशेंस बनाएंगे ना, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, तो आपका कनेक्शन बहुत ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों को आज के दिन में भी मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, और जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब आपको कमिट कर सकता है आपका पार्टनर। यहाँ पर एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं, ओके। ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं आज के दिन में स्पेशली।
कौन है जो अपने पर्सन को अकड़ू बुलाता है, या फिर किसके पर्सन उसको अकड़ू बुलाते हैं। यहाँ पर AKDU लिखकर निकल कर आया है, अकड़ू निकल कर आया है। तो मतलब या तो आपके पार्टनर आपको अकड़ू बुलाते हैं या आप उनको बुलाते हो। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज है। ओके, यहाँ पर एंजल नंबर 708 निकल कर आया है, AKDUEVJI 708। ओके, ये यहाँ पर है। और गाइस, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट किए बिना डू योर इनर वर्क, डू योर हीलिंग। डेफिनेटली अपना शेडो वर्क करिए, आपके ट्रिगर्स को हील कीजिए। जो चीज़ अभी भी आप ट्रिगर हो जाते हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं, आपके अंदर कोई हीलिंग नहीं है, आप जस्ट अपने आप को कुछ समय के लिए, वो कहते हैं ना कि पेन किलर खाकर कुछ समय के लिए दर्द कम कर लेना, आप सिर्फ रीडिंग देखकर सिर्फ वो कर रहे हैं। और जिस दिन आपके पेन किलर का असर खत्म हो जाएगा, आप फिर से दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे होने से बेटर है कि अपने अंदर एक प्रॉपर हीलिंग करते जाएं आप। जब आप देखेंगे आप शांत हो रहे हैं, परमानेंट हीलिंग हो रही है, आपके आसपास की चीजें चेंज हो रही हैं, ये सबसे बड़ा साइन होता है आपकी हीलिंग का। अगर आपके आसपास कुछ नहीं बदल रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ नहीं बदल रहा है। क्योंकि आप जो कुछ भी अपने आसपास बदलना चाहते हैं, वो आपके आसपास तब बदलता है जब आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। और मैंने अपनी रीडिंग में वाइब्रेशन को लेकर बहुत गाइड किया। आपने कर्मा रीडिंग बनाने के लिए बोला था, मैंने वो भी बोला, लेकिन सिर्फ 1000 लोगों ने उस रीडिंग को देखा, क्योंकि कर्मा में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, एवरीबडी वॉन्ट्स रिजल्ट। ठीक है, तो आप शिकायतें करते रहेंगे, शिकायतों से कुछ होना तो है नहीं। चलिए आपके मैसेज और देखते हैं। आई रिग्रेट हाउ आई हैंडल थिंग्स इन द पास्ट। ये पर्सन कह रहे हैं कि रिग्रेट करते हैं आज कि इन्होंने पास्ट में किस तरीके से चीजें कि आई एम नॉट रियली बिजी, आई एम फेकिंग इट। और कई बार ये पर्सन आपके आपको मतलब फेक करते रहते हैं कि ये बिजी है, जबकि ये बिजी होते नहीं है, जस्ट आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपसे झगड़ा ना हो शायद इसलिए, या फिर आप ज्यादा बातें ना सुनाओ इसलिए, तो ये ऐसा दिखा देते हैं कि ये बिजी है। ओके, सो डियर, ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।